नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हर नागरिक मुसीबतों से जूझ रहा है, वहीं बच्चों के स्कूल वाले भी पेरेंट्स पर फीस का दबाव बना रहे हैं। स्कूल की फीस को लेकर आज सेंट जोसेफ स्कूल चंडीगढ़ में भी पेरेंट्स का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नो स्कूल नो फीस और स्कूल खुलेंगे जब से फीस देंगे तब से के नारे भी लगाए। स्कूल्स के खिलाफ पेरेंट्स का रोष कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो फीस क्यों, और ऑनलाइन क्लासेस या वर्कशीट से बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सेंट जोसेफ स्कूल का कोई भी मेंबर पेरेंट्स से मिलने को तैयार नहीं हुआ और ना ही उन्होंने स्कूल गेट ओपन किया, उन्होंने स्कूल को अंदर से बंद कर दिया था। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा टाइम पहले ना हमने स्कूल पैड पे हमें एक मैसेज आया कि कर्टसी मैसेज कि जो पेरेंट्स फी पे कर सकते हैं वो पे कर दीजिए। उसमें इन्होंने साथ में लिखा हुआ था बिकॉज वी नीड टू पे द फी फॉर द सैलरी ऑफ वॉचमैन गार्डनर एक्सेट्रा। सो आर कंसर्न वॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द गार्डन ऑफ द स्कूल्स, राइट। सो पहली सबसे बड़ी बात, अब तक जिस मर्जी हेड के अंडर ये लोग फी चार्ज कर रहे थे, हम चुपचाप पे कर रहे थे। मेरा बच्चा 7 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, हमने सारी फीस बिना किसी डिले के हर बार पे करी। बट अभी एक्चुअली टाइम ऐसा हो रखा है, अगर इनको फी लेनी भी है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वी अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, बट एटलीस्ट ट्यूशन फी लें। तो इन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया। पहले फी के हेड्स होते थे, एक ट्यूशन फी हो गई, लाइब्रेरी फी हो गई, बिल्डिंग मेंटेनेंस फी हो गई। अभी इन्होंने टोटल फी कम्स अंडर ट्यूशन फी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ना तो एडमिन को ये चीज़ समझ आ रही है, जो 2,000-3,000 पिछले साल ट्यूशन फी थी वो आज एकदम से बढ़ के 6,000 कैसे हो सकती है। सो आर कंसर्न इज कम से कम जो भी वो करे एटलीस्ट जेन्युइन उससे तो करे ना। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्डनर्स एंड द वॉचमैन, इट इज देयर प्रॉपर्टी, दे शुड प्रोटेक्ट इट। और एम्प्लॉय प्राइवेट भी नहीं है, और जो जिनमें थोड़ा सा सेमी है वो भी अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रहे, उनको भी कट के साथ फीस मिल रही है। हमारे बच्चे घर में बैठे हैं और हम उन्हें पढ़ा रहे हैं सर, और ऑनलाइन के नाम पे इट्स डिस्ट्रप्टिव एजुकेशन। आपके साथ टीचर के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन इज नथिंग। ऐसे अगर मैं 200 रुपया इंटरनेट लगा के गूगल सब कुछ बताता है तो मुझे उसके लिए 6,000 रुपये महीना देने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज नॉट आई एम एग्रीड फॉर। मैं स्कूल के लिए एग्रीड ऑनलाइन के लिए नहीं हुई थी, मैं इसके लिए रेगुलर स्कूल के लिए एग्रीड हुई थी। इफ इट इज नॉट अ रेगुलर स्कूल, नॉट रेगुलर फीस ऑल्सो। अगर क्राइसिस है तो सर क्राइसिस सभी को फेस करने हैं, मुझे फेस करने हैं, स्कूल के टीचर्स को फेस करने हैं, हर किसी को फेस करने हैं। नोबडी इज पेइंग ए सिंगल पेनी, पेनी भी एक रुपया कोई मुझे हेल्प करो तो मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम में से किसी को कोई हेल्प नहीं कर रहा। हम भी तो अपने सेविंग से खा रहे हैं ना, जो थोड़ी बहुत हमारे पास है, इनकी तरह करोड़ भी नहीं है हमारे पास। यस मैम, लॉकडाउन के दौरान कई पेरेंट्स की जॉब चली गई है, जब जॉब चली गई है तो बताओ कहाँ से पैसे देंगे, ये बताओ। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, और फीस के नाम से 8% बोलते हैं कि पढ़ाई है, हमारे हिसाब से 21% पड़ी है। सारे हेड बोर्ड आके सारा ट्यूशन फीस में मर्ज करके ये बोलते हैं कि बस इतनी दे दो, उतनी भी क्यों दें जब स्कूल ही नहीं लगे। कोई पूरे स्कूल का प्रेमिस यूज़ नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुई, वॉशरूम्स यूज़ नहीं हुई, वाटर सप्लाई यूज़ नहीं हुई, तो फीस हम किस चीज़ की दें। टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसमें भी बच्चे इतने ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, और साथ साथ पेरेंट्स भी हैरान हो रहे हैं। सर पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा और संस्था का बताइएगा। मेरा नाम नितिन गोयल है, चंडीगढ़ पेरेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर आज यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मैटर है, क्या आप लोगों की समस्याएं क्या हैं वो बताइएगा। देखिए कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, मार्च के आखिरी हफ्ते से सारे बिजनेस बंद हैं, बहुत लोगों ने नौकरियां गंवा दी, जिनकी नौकरी बच भी गई, सैलरी कट्स लगे हैं, किसी की आधी रह गई, किसी की 75% रह गई, हर बिजनेस को लॉस हुआ। एक स्कूल ही ऐसा बिजनेस क्यों है जो बंद पड़ा है फिर भी फीस पूरी चाहिए। तो पेरेंट्स इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि अपने घर का सामान बेचने की सोच रहे हैं, कोई गिरवी रख रहा है, कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कि हर किसी पेरेंट के मन में डर ही है कि मेरे बच्चे का नाम ना काट दें। स्कूल बंद पड़ा है फिर भी पूरी फीस देने को मजबूर किया जा रहा है। कानून है चंडीगढ़ में कि हर स्कूल अपनी बैलेंस शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, कानून है कि स्कूलों में मुनाफाखोरी ना हो, प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। हम कब से कह रहे थे कि इनकी बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट के हिसाब से फैसला कीजिए कि स्कूल को फीस लेने का हक है किसको नहीं है।
जिस स्कूल के पास 25 करोड़ 50 करोड़ की एफडीज रखी हैं, उनको उस अपनी एफडीज में से अपने सरप्लस पैसे में से सैलरीज देनी चाहिए, बजाय इसके कि बंद पड़े स्कूलों के लिए पेरेंट्स से बाहर डालें। तो सर, क्या आपका स्कूल प्रशासन से कोई किसी प्रकार की बातचीत हुई है? स्कूल तो बिल्कुल बंद किए बैठे अपने कान नाक आँख मुँह सब कुछ, बात ही नहीं कर रहे। तो इसके बारे में आपने पहले भी प्रशासन से शायद बात हुई थी आप लोगों की? प्रशासन से पे ही हम पूरा जोर डाल रहे हैं, काफ़ी टाइम से बहुत प्रेशर पड़ रहे हैं। तो प्रशासन क्या कह रहा है इस बारे में? पहले प्रशासन ने कुछ किया नहीं, पिछले 3 साल से इस पर लड़ रहे थे हम बैलेंस शीट्स के लिए। अब प्रशासन जागा है, 51 स्कूलों को शोकॉज नोटिस इशू किए हैं बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अब 2-4 दिन में बैलेंस शीट्स आने की उम्मीद है, बैलेंस शीट्स आ जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट के बेस पे फैसला हो कि स्कूल की फीस कितनी हो या ना हो। तो अब जैसे लॉकडाउन के दौरान कईयों की समस्याएं सुनी गई है, कईयों के पास सैलरी कट गई है या सैलरी आई नहीं है, उसके बावजूद स्कूल आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो या जो 3 महीने की फुल फीस के लिए अल्टीमेटम दिया है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? देखो, हमने पहले प्रशासन पर पूरा जोर लगाया है, मंडे ट्यूजडे देखते हैं प्रशासन अगर कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं सब लोग, मास लिटिगेशन करेंगे, हर पेरेंट की तरफ से अलग अलग केस चलेगा, कोर्ट से बाहर पड़ेगा, तब उम्मीद है कि कोर्ट्स भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि कितनी दिक्कत है पेरेंट्स। तो ये प्रशासन और स्कूलों की यारी, पेरेंट्स के साथ यारी, प्रशासन और स्कूलों की यारी, पेरेंट्स के साथ यारी, प्रशासन और स्कूलों की यारी, पेरेंट्स के साथ यारी, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो